हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 7-4। अब चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट की। तो हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या तो गर्म या ठंडा हो सकता है। फिर उसके बाद बात आती है टेम्परेचर की। तो हम अगर नॉर्मली हम बात करें हमारे जो टचिंग सेंस है, तो उस टचिंग सेंस से हम किसी भी सब्सटेंस को एक पर्टिकुलरली हम पता नहीं कर सकते कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। तो हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं। तो उस डिवाइस का नाम जो है, उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसकी हॉटनेस का हम पता कर सकते हैं। फिर जो हीट है, हाँ, अगर उस हीट की बात करें तो हीट के कारण ही क्या होता है, टेम्परेचर बनता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ गर्म होगी, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे थर्मोमीटर जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा नीचे जाके देखें तो थर्मोमीटर है वो दो टाइप में देख रखे हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो रहता है वो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने का काम करता है, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, जो अगर किसी भी ह्यूमन का जो टेम्परेचर रहेगा वो अपन क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू करेंगे, ठीक है। इसकी जो रेंज रहती है वो बहुत ही नैरो रहती है। उसकी जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से तो 42 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। इसके अंदर मर्करी जो रहती है वो फिर रहती है, ठीक है। जब उसके ऊपर कोई भी हीट का इफेक्ट पड़ेगा या फिर वो गर्म होगा, ठीक है ना, किसी भी बॉडी से, किसी भी लिविंग बॉडी से जब वो टच होगा तो वो आगे की तरफ फ्लो करेगा। वैसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो रहता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या फिर उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो मेज़र करने के काम आता है। तो इसकी जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, -10 डिग्री सेल्सियस से तो 110 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। फिर जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम बात करें किसी भी सॉलिड की, तो उसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो थ्रू कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। लिक्विड और गैस के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। और अगर हम बात करें जहाँ पे मीडियम नहीं है, तो उस जगह पे रेडिएशन के थ्रू क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। देन कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो अपने अंदर से इजीली हीट को पास कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। और ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इजीली किसको, हीट को पास ना होने दे, दैट इज़ कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। देन हम सी ब्रीज की बात करते हैं। तो सी ब्रीज जो है वो कब चलती है, डे के टाइम पे चलती है, ठीक है। और इसमें जो लैंड रहता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। तो जो वार्म एयर रहती है, हाँ, लैंड की, वो कहाँ पे चले जाती है, ऊपर की तरफ वो चले जाती है। और जो कोल्ड एयर रहती है वो क्या करती है, नीचे की तरफ से फ्लो करती है और कहाँ पे आती है, वो लैंड एरिया की तरफ आने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो यहाँ पे लैंड के ऊपर जो खड़ा हुआ इंसान होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसको ठंडी लहरों का या ठंडी ब्रीज का उसे फील होगा। ये जो सी ब्रीज जो है वो प्रोड्यूस होती है किसके कारण, फ्रॉम सी टू लैंड। मतलब कहाँ से चलती है, सी से तो लैंड की तरफ जो ब्रीज है वो फ्लो होती है। देन लैंड ब्रीज जो रहती है वो नाइट में होती है। और इसमें क्या होता है, लैंड जो रहता है वो बहुत जल्दी क्या होने लगता है, जो लैंड जो रहता है वो बहुत जल्दी ठंडा होने लगता है, ठीक है। और किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। तो जो वार्म एयर रहेगी वो कहाँ पे, सी के ऊपर जो रहेगी वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो द वार्म एयर अबव द सी राइजेस, तो जो सी के ऊपर जो एयर रहेगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। और जो वार्म एयर रहेगी, हाँ, वो रिप्लेस कर दी जाएगी किसके द्वारा, जो कोल्ड एयर है
लैंड के ऊपर, उसके द्वारा वो क्या कर दी जाएगी, वो रिप्लेस कर दी जाएगी। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे लैंड एरिया है, तो लैंड के तरफ से ये जो ठंडी हवा है वो इधर जाएगी और ये किसको फील कर देगी, ये यहाँ पे जो एयर जो ऊपर उठी थी सी के ऊपर वहाँ पे उसको फील कर देगी। तो यहाँ पे जो भी इंसान खड़ा रहेगा तो उसको इधर से इधर आते हुए जो ठंडी हवा है या ठंडी जो ब्रीज है वो फील होगी। नाउ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।